सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ में गोल्डन बाबा का आगमन। 15 किलो सोना गले में डालकर हरिद्वार से आते हुए गोल्डन बाबा लगभग 20 बार हरिद्वार से गले में गोल्डन पहनकर अपने निवास स्थान पर जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर गोल्डन बाबा इतना सोना गले में डालकर क्यों जाते हैं, जिससे बीच बीच में पुलिस वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें डोर टू डोर छोड़ना पड़ता है। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि जिस ट्रैक पर पदयात्रा करते हुए कांवड़ियां आते हैं, उसी ट्रैक पर गोल्डन बाबा की बड़ी बड़ी तीन गाड़ियां उसी ट्रैक से होकर गुजरती हैं, जिससे पैदल यात्रा कर रहे कांवड़ियों को बड़ी दिक्कत होती है। आखिर इस प्रकार की अनुमति प्रशासन उसे देता क्यों है और इतना सोना बाबा के पास आया कहां से? गोल्डन बाबा का कहना है कि मेरे पास सोना और भी है, लेकिन बीमार होने के कारण मैं केवल 15 किलो सोना ही गले में डाल सकता हूं। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, मेरी 26वीं कावड़ है, इससे पहले 25 कावड़ ला चुका हूं और लास्ट टाइम मैंने सिल्वर जुबली बनाई थी 26 कावड़ करके। फिर मैं अब भोलेनाथों की सेवाई क्या करूँगा कावड़ियों की, क्योंकि मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब करके मुझे 2.5-3 साल से, तो यही सोचा था लास्ट टाइम अपना सिल्वर जुबली बना के अब उसको रोक लूँगा। बाकी ऐसा भोलेनाथ की कृपा हुई है कि अभी 5-7 दिन में दोबारा फिर प्रोग्राम बन गया कि नहीं आपको जाना, और भक्तों ने इसने प्रेम और मैसेज आने लगे कि आपको आना, आप मेले की शान हो, आप मेले की रौनक हो, आप जरूर आइएगा। जैसा कि बाबा आपने बताया, पिछली बार 21 किलो सोना था धारण किए हुए थे आप, और अब की बार कितना सोना है? अब की 15-16 किलो पहन। ऐसा क्यों बाबा? ऐसा मेरे गले के 2-2 ऑपरेशन हुए हैं अभी, और इसकी वजह से मेरे को डॉक्टर ने भी दवाई दे रखी है कि गले में ज़्यादा वेट ना डालूं। फिर भी आपने डॉक्टर के कहने के बावजूद भी आपने फिर 15-16 किलो सोना क्यों डाला हुआ है? अब ये तो देखिए, एक तो मेरा नाम भी गोल्डन बाबा, एक मेरे भक्तों का स्नेह और प्रेम, और फिर सावन का एक साल में एक ऐसा हफ्ता आता है 10 दिन का टाइम कि सारे भक्तों को दर्शन भी हो जाते हैं और सबसे हम भी मिलजुल लेते हैं, तो ओरिजिनल रूप में देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल रूप में आ जाता हूँ अपने।